नमस्कार, स्वागत है आपका सतीहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और सत्य हिंदी की स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, बेल आइकॉन दबाएं और सत्य हिंदी का सदस्य जरूर बने। आज 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का एजेंडा भी आज इसी से जुड़ा हुआ है। ये वो दिन है जब महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोगों को बताया जाता है कि जो प्रतिसत्तात्मक जो सोच है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, किस तरीके से महिलाओं ने उसकी लड़ाई लड़ी और अपने लिए एक मकाम हासिल किया है, एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में। लेकिन आज भारत के परिप्रेक्ष्य में उन महिलाओं की बात करना बहुत जरूरी है जो आज इतने महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर है। क्योंकि आंदोलन में अगर आपने देखा हो तो पिछले एक साल से जो हम आंदोलनों का जो सिलसिला हम भारत में देख रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है। और मैं शुरुआत करूंगी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं की, क्योंकि ये वो महिला हैं जो सिर्फ घूंघट में रहती थी, इनकी जबान पर आवाज नहीं थी क्योंकि इन पर समाज का दबाव था, अपने परिवार का लिहाज, एक दिमाग में हिचक जिसकी वजह से ये महिलाएं नहीं बोलती थी। लेकिन अगर काम करने की बात करें तो ये जो किसान परिवार की जो महिलाएं हैं, सुबह 3-3:30 बजे उठकर गाय को चराना, दूध दुहना, उपरी पाथना और घंटों खेत में या तो घास काटना, धान को स्टोर करना से लेके तमाम काम करती थी। लेकिन इन महिलाओं की जो मेहनत है, इन महिलाओं की मेहनत को कभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। और जब मैं एक्नॉलेज की बात करती हूं तो मेरा मतलब है कि समाज में इनकी हिस्सेदारी की कभी भी किसी ने बात नहीं की। यहां तक कि इनके जो परिवार में जो पुरुष हैं उन्होंने भी कभी इन महिलाओं को किसान नहीं समझा। लेकिन आज जो ये महिलाएं किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जो अभी तक बोलती नहीं थी, लेकिन अचानक ये जो महिलाएं हैं इन्होंने मंच पर मोर्चा संभाल लिया है, स्लोगन लगा रही हैं और खेती किसानी की बात कर रही हैं। अब आपको बता दें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे थे, उन्होंने कुछ ही महीने पहले अपने एक ऑब्जर्वेशन में क्या कहा था कि ये जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनको वापस चले जाना चाहिए। और 74 साल की जो जसबीर कौर हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश रामपुर इलाके से आती हैं, उनकी इमेजेस तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर वायरल हुई, क्योंकि जसबीर कौर ने इस बात को कहा कि कोर्ट कैसे इस बात को मान सकता है कि जो आंदोलन में बैठी हुई महिलाएं हैं वो सिर्फ खाना बना रही हैं या बर्तन धो रही हैं। जसबीर कौर का ये मानना था कि आंदोलन में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और ये कहते ही जसबीर कौर की तरह भी बहुत सारी महिलाएं अलग अलग जगह, जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर इकट्ठी हुई। यानी कि इन किसान महिलाओं को, यानी कि जो ये किसान परिवारों से जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये एक नई लड़ाई बन गई, एक नए अस्तित्व की लड़ाई। अब आपको बता दें कि अगर आप ऑक्सफैम के सर्वे की बात करें तो एक ऑक्सफैम का सर्वे है जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण इलाके में 85% महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उन 85% महिलाओं में से सिर्फ 13% की खुद की जमीन है। यानी कि वो काम तमाम के करती हैं लेकिन जमीन पर उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो आज जो ये किसान महिलाएं जो आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, तो इन्होंने कहा है कि आज उनके हक की भी बात की जाए। एक तरफ तो एमएसपी की लड़ाई है और जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस लेने की बात कही जा रही है, लेकिन इन किसान परिवार की महिलाओं के लिए आज उनके हक की लड़ाई है, उनके हिस्सेदारी की लड़ाई है और उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, ये उसकी भी लड़ाई है। अब आपको बता दें कि जहां तक हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं और जो खेती में विकास की बात करते हैं,
कभी भी भारत के समाज ने महिलाओं के रोल को एक्नॉलेज नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि इन किसान जो किसान महिला हैं उनको उनके परिवारों ने भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये वही महिलाएं हैं जो आज अपने घर से बाहर निकलकर आई हैं और इतनी हिम्मत उनमें आ गई है कि वो महिलाएं आज ट्रैक्टर पर चढ़कर और मंच पर आकर बैठ गई है। ट्रैक्टर जिसे हम हमेशा पुरुषों का सिंबल मानते थे, आज उन्हीं ट्रैक्टरों पर विराजमान है ये महिलाएं, वो महिलाएं जिनके मुंह में अभी तक बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। यानी कि इन महिलाओं ने आज अपना अस्तित्व तलाश लिया है। और ये वाकई में भारत के अगर आप महिला आंदोलन की बात करें तो ये उस इतिहास का एक नया पन्ना है जिसे हमें खुशी से नाच गाकर इसे आज सेलिब्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि जो महिला आंदोलन है, जो विमेन्स मूवमेंट है भारत का, उसमें एक ये नया पन्ना किसान महिलाओं का जुड़ गया है। क्योंकि इन किसान महिलाओं का ये मानना था कि इन महिलाओं को कभी किसान माना ही नहीं गया। तो ये जो तमाम महिलाएं आज बॉर्डर इलाके पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू हो और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, ये जो सारी महिलाएं वहां पर इकट्ठी हैं, उनका ये कहना है कि इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि मंच पर जिन्हें बोलना नहीं आता है, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो भजन कीर्तन करके, स्लोगन करके सारी महिलाओं का समर्थन कर रही हैं ताकि पूरे विश्व में एक संदेश जा सके कि भारत की जो महिला किसान है वो एक चुप रहने वाली महिला नहीं है, वो एक कठपुतली नहीं है, उसे भी अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है इन किसान महिलाओं के द्वारा, जो कि आज वाकई में खुशी और उल्लास से मनाने की जरूरत है। और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इन किसान महिलाओं को आज वाकई में नमन करने की जरूरत है। और आज मैं एक महिला पत्रकार होने के नाते आज सिर झुकाकर इन किसान महिलाओं को नमन करती हूँ। नीलू जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और मैं क्या बताऊं, महिलाएं तो बहुत पीछे तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि महिलाएं सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही हैं अपना, मतलब इस ग्रुप में आने के लिए, समाज में जो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए वो दौड़ रही हैं, सिर्फ संघर्ष कर रही हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारे देश में जो कल्चर है, एक एक तो कल्चर से बंधी हुई महिलाएं हैं, बहुत ही ज्यादा बंधी हुई हैं, कभी वो कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पाती। हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है उससे बाहर ही नहीं निकल पाती। कभी वो पिता के दबाव में रहती हैं, कभी भाई के दबाव में रहती हैं, कभी माँ के दबाव में रहती हैं, कभी पति के दबाव में रहती हैं, और इस प्रकार से वो सिर्फ दबाव में ही रहती हैं। और आप जानती हैं कि दबाव में लिए गए निर्णय कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति होता है फ्री में निर्णय लेता है और एक व्यक्ति होता है दबाव में निर्णय लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णय दबाव में लिए जाते हैं वो सिर्फ महिलाओं की वजह से ही लिए जाते हैं, मतलब महिलाएं ही लेती हैं, पुरुषों की वजह से लिए जाते हैं। धन्यवाद नीलू जी। बहुत सी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। एजुकेशन में जिस तरह महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है एंड दे हैव डन बेटर, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें एम्पावर करता है और आगे भी बढ़ाता है, पूरे परिवार को आगे बढ़ाता है। और खासकर शहरों में लोगों के मन में ये बात जो जग गई है कि एजुकेटेड लेडीज आएंगी घरों में या बच्चियां पढ़ेंगी तो आगे उनका परिवार बेहतर होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि जिनमें अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। यदि पिछले एक साल दो साल में हम देखें कि जिस तरह जो घरों में काम करती थी महिलाएं, जो मेड्स या जिनको हम कहते हैं, उनकी स्थिति के बारे में क्या हुआ, कितनी लोगों ने काम उनके चले गए, उनके ऊपर काम काज नहीं मिला, उनको उन्होंने कैसे घर चलाए, इसके बारे में क्या हुआ, कैसे उनके काम चल रहा है, इस पर अभी भी कोई बहुत बड़े डिस्कशंस या बहुत आंकड़े आते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरह उसी तरह हमें लग रहा है कि घरेलू महिलाओं पे हिंसा की जो वारदातें बढ़ी हैं, तो जो हम बहुत खुश होते हैं कि नौकरियों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी है, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं हमें फिर से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और तीसरी एक और चीज है सुरक्षा, जो बहुत बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, जो जितनी आप कहीं भी देखिए जो पेपर है वो कहीं ना कहीं 2-4-10 खबरें इस तरह की मिल जाती हैं जो महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। हम जहाँ पीछे हैं
वो इस चीज में है कि जहाँ पर किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, तो वहां पर इन संघर्षों के खिलाफ जो एक तरह से एक जबरदस्त माने इसको बैकलैश कह सकते हैं आप, कि सरकार की तरफ से संघर्षों को पीछे ढकेलने के लिए जो एक तरह से ताकत बढ़ गई है, ज्यादा ताकत लगा रही है सरकार, मौजूदा सरकार, खास करके भारत में ये केंद्र की जो मोदी सरकार है या राज्यों में जो योगी आदित्यनाथ जैसी सरकारें हैं, वो महिलाओं की दावेदारी को पीछे ढकेलने के लिए पूरा पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये इसमें दिखता है कि जैसे आपको महिलाओं के का जो संघर्ष है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए, अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुने, इसे रोकने के लिए लव जिहाद के नाम पे कानून लाए जा रहे हैं। मजदूर महिलाओं की बात ले लीजिए, तो मजदूर महिलाओं ने संघर्ष कर करके अपने अधिकारों को कई जगह जीता है कि अपने लिए श्रम कानून वगैरह जीते हैं, लेकिन श्रम कानूनों को लागू न करना, श्रम कानूनों को खत्म करना, ये मौजूदा केंद्र सरकार का काम है, जहां मजदूर महिलाएं खास करके इसमें दबती हैं, पिसती हैं। लेकिन आज बात सिर्फ महिला किसानों की नहीं है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो भारत की महिलाएं नए आयाम, नए टर्निंग पॉइंट्स हमेशा बना रही हैं। और अगर पिछले एक साल की मैं बात करूं तो कैसे मैं भूल जाऊं कि किस तरीके से शाहीन बाग में जब सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो बुजुर्ग 80 साल की, 85 साल की महिलाएं ठिठुरती ठंड में लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो भी लोकतंत्र को अच्छे से समझती हैं और उन्हें भी अपने हक की लड़ाई लड़ना आता है। तो आज उन तमाम शाहीन बाग की जो दादियां हैं उनको भी नमन करने का वक्त है, क्योंकि उन्होंने भी भारत की महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है। क्योंकि ये वो महिलाएं थीं जो कि किसी की पत्नी थी, किसी की दादी थी, किसी की बुआ थी, किसी की भतीजी थी और मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, जिनका दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक इन महिलाओं में ये जागरूकता आई कि आज उन्हें संविधान बचाने की जरूरत है और इसलिए ये सारी महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर और एक ऐसे समाज में जहां पर आज भी भारत में महिलाओं का रात को निकलना ठीक नहीं समझा जाता है, तो ये तमाम महिलाएं रात में भी शाहीन बाग में डटी रहीं लोगों को ये समझाने के लिए कि वो अपने संविधान को ठीक से समझती हैं और अपने हक की लड़ाई इस संविधान के द्वारा लड़ना चाहती हैं। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगी पिछले ही साल, पिछले एक साल की ये सारी बातें हैं कि कॉलेज कैंपसेस की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज कैंपसेस में जो नवयुवतियां हैं उन्हें हम कैसे भूल जाएं। और खासकर यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगी पिंजड़ा तोड़ कैंपेन को, कि जिसने एक नया मोड़ दिया कि किस तरीके से हम जब नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं महिलाओं के हॉस्टल में, तो ये जो पिंजड़ा तोड़ का जो पूरा कैंपेन है किस तरह से आगे चलाया गया और इस कैंपेन के जरिए लोगों को ये बताया गया कि कॉलेज की जो महिलाएं हैं, कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अब एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने की जागरूकता आ गई है, तो इसलिए इन महिलाओं ने भी इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सारी लड़कियों को, इन महिलाओं को आज इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए आपने पिछले अगर एक साल से देखा हो तो बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतरी लेकिन उन्होंने राजनीति में 33% आरक्षण की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि जो सशक्तिकरण है वो कैसे मिलेगा। सशक्तिकरण इनको लगा कि इस ऐसे मिल सकता है कि अगर वो संविधान की सौगंध खाकर और विरोध प्रदर्शन करती हैं, तिरंगे की सौगंध अगर खाकर वो विरोध प्रदर्शन करती हैं, तो शायद ये बातें लोगों को ज्यादा समझ में आ पाएंगी और वो लोकतंत्र का अहम हिस्सा बन पाएंगी। तो ये तमाम वो लड़कियां हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की लड़ाई में उन्होंने नए आयाम हासिल किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन महिलाओं को, जो कॉलेज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको ये लगा कि शिक्षा सिर्फ एक करियर बनाने का टूल नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जिम्मेदारियों को समझने और समझाने का भी एक जरिया है, तो इसे शायद इस प्रिज्म से भी देखने की जरूरत है। और इसीलिए इन महिलाओं ने पूरी बुलंदी से नारे लगाए और अपनी आवाज को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी आवाजें गूंजी
और पूरे विश्व ने इस चीज को देखा। तो आज इन सारी उपलब्धियों को शायद सेलिब्रेट करने की जरूरत है। महिला आंदोलन भारत का कई दशके और हर दशक में एक नए आयाम, एक नए टर्निंग पॉइंट हमने देखे हैं, और पिछले एक साल में जिस तरीके से महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, चाहे वो सीए और एनआरसी को लेकर हो, फिर दिल्ली दंगे हो, फिर अब किसान आंदोलन हो, महिलाओं की हिस्सेदारी जिस तरीके से आंदोलनों में बढ़ी है, वो लोकतंत्र का एक बहुत स्वस्थ प्रतीक है। लेकिन आज इसके अलावा एक और बात करने की जरूरत है कि हमने महिलाओं ने नए आयाम हासिल जरूर किए हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का जो तबका है वो आज मार्जिनलाइज्ड है, वंचित है। और इसका कारण मुख्य ये है कि लीडरशिप रोल में महिलाएं सिर्फ 6 से 11% ही है, और इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, तो ये जो पूरी तमाम जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे खींचती हैं, महिलाओं को कमजोर करती हैं। कानून बने हैं, लेकिन कानूनों को ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में बैठे लोग हैं वो संवेदनशील नहीं है, कानून की शायद उन्हें समझ नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में महिलाएं कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि जो सिस्टम है वो महिलाओं को कमजोर करता है। तो आज शायद जरूरत है कि जो सिस्टम्स हैं उन्हें कड़ा किया जाए, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बैठें, तभी शायद इस महिला आंदोलन को और बल मिलेगा। लेकिन आज आलोचना करने का वक्त नहीं है। जैसा मैंने फिर कहा कि जो महिला सशक्तिकरण की भारत में लड़ाई है और पूरे विश्व में जो महिला आंदोलनों को लेकर लड़ाई हो रही है, वो आज सेलिब्रेट करने की जरूरत है। लेकिन साथ में इस चीज पर भी प्रण लेना चाहिए कि जहां पर खामियां हैं, आज उन खामियों को हम कैसे पूरा कर सकें, ताकि जो आने वाला दशक हो वो महिलाओं के लिए और बेहतर बन सके। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आप इस सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बनी रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।